नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मेरे साथ खेल का अड्डा में आज हैं काजोल नारायण। काजोल नारायण, आज मैच देखते देखते मज़ा आ गया, ऐसा लगा जैसे रिकॉर्डों की बौछार हो गई और रिकॉर्ड टूटते चले गए। आज विराट कोहली ने 117 रन मारे, 50वीं सेंचुरी ये उन्होंने पूरी की, वर्ल्ड में अपना नंबर वन का खिताब अपना दर्ज किया। आज 49 वनडे में हाफ सेंचुरी का भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो चलिए देखते हैं आज काजोल को कैसा लगा। पहले काजोल से पूछते हैं, आज सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में लड़कियों को पूछना बहुत जरूरी है, भैया दूज भी है, तो विराट भैया ने तो आपको दे दिया है तोहफा। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई, हमारे कैप्टन ने धुआंधार पारी खेली, हालांकि ज्यादा वक्त वो टिक नहीं पाए, लेकिन जो लय दी है ना वो रोहित शर्मा ने दी है। ऐसा लग रहा था कि मानो कि स्टेडियम के अंदर जो है, जब वो पिच पर खेल रहे थे, कि उनका बल्ला जो है वो आग उगल रहा है। और इसी लय में शुभमन गिल भी लगातार आगे बढ़ते रहे, हालांकि क्रैम्प्स की वजह से उन्हें बीच में हटना पड़ा, लेकिन एक अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। 80 पर नाबाद रहे, 66 बॉलों में 80 रन, वाकई कीर्तिमान स्थापित किया है। 398 रनों का टारगेट भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा है, लेकिन जितने शॉट्स यहां आज लगे हैं, जितने छक्के और जितने चौके हमने देखे, हमें भूलना नहीं है कि सामने वाली टीम भी चेस करने में काफी ज्यादा माहिर है। 2019 को हम भूल नहीं सकते, लेकिन अब बदला लेने का वक्त है, कहा जा सकता है। बदला लेते लेते काजोल कहीं थोड़ा सा फिसल ना जाए, हमारी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं कई बार हमारे खिलाड़ी, तो हमें ये ध्यान रखना है और खिलाड़ियों को भी खास कर ये ध्यान रखना है। हमें तो फिंगर्स हमारी क्रॉस रखनी है कि हम लोग सेमीफाइनल निकालें, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग सेमीफाइनल तक पहुँचे थे और किसी कारण से हम लोग हार गए थे और सामने हराने वाली टीम भी हमारे सामने यही थी। तो आज हमें फिंगर क्रॉस रखनी है और अपने संयम रखना है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है और बहनों को तो स्पेशल करनी है आज। बिल्कुल, दुआएं चारों तरफ, आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया खंगालेंगे तो हर तरफ से दुआ ही दुआ नजर आ रही है। और भारत की जीत के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जिन्होंने व्रत रखे हैं, आज दिन भी बहुत अच्छा है, त्योहार का सीजन चल रहा है और ये रिटर्न गिफ्ट कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम हमें दे। और हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह से अगर मैं एक पूरा अभी रिकॉर्ड फटाफट से बता दूं, तो विराट कोहली ने 117 रन बनाए हैं और कैच आउट वो हो गए, लेकिन एक बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली है। 49 वनडे में हाफ सेंचुरीज उन्होंने बनाई है और ऐसा करने वाले विराट कोहली दुनिया के पहले बल्लेबाज हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि दो रिकॉर्ड बने हैं, दूसरा रिकॉर्ड ये है कि 50 सेंचुरी उन्होंने कंप्लीट की है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 47 रन उन्होंने बनाए, श्रेयस अय्यर 70 गेंदों में 105 रन। देखिए, सबसे ज्यादा फोकस अगर मैं करूंगी तो श्रेयस अय्यर पर करूंगी, बहुत ही बढ़िया उन्होंने खेला है और ये नहीं कि बोर होने दिया, बिल्कुल श्रेयस अय्यर पे जैसे शुरू में काफी उन पे प्रश्न चिन्ह उठे थे कि उनकी जिस तरह से वो हुक शॉट नहीं मार पा रहे थे, उनको बाउंस बॉल करते थे लोग और आउट कर देते थे, तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को कमबैक किया, दो लगातार उन्होंने सेंचुरी मारी है, उन्होंने अपना दिखाया कि मेरी ज़रूरत क्यों है और मैं अहम क्यों हूँ, ये उन्होंने दिखाया। इसी तरह से मैं बोलूँ कि आज काजू आपको एक चीज़ मिस नहीं कर रहे हो आप इसमें, कि पाकिस्तान होती तो कितना मज़ा आता शायद, लेकिन पाकिस्तान के साथ खेलने उनकी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए शायद वो पहले ही बच गए हमसे, बच गए वो बिल्कुल। और मतलब जो पल्स रेट होते हैं वो ना हमारे पाकिस्तान के साथ कितने हाई जाते हैं, रोड खाली हो जाती है हिंदुस्तान में पूरा, देखने के लिए सब हो जाता है कि भाई आज, हालांकि सेमीफाइनल में भी आज ये स्थिति यही है, पूरी चारों तरफ रोड खाली मिल रही है, सबके सब घर पे बैठ के सेमीफाइनल देख रहे हैं। लेकिन बदला लेने का दिन तो आज भी है, 2019 वो मैनचेस्टर में वो मैच कोई नहीं भूल सकता, जब सिर्फ 2 इन से महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो गए थे, एम्पायर भी अचंभित कि ये कैसा हो सकता है, लेकिन वो हुआ और आज बदला लेने का दिन है और हमारी पूरी टीम अच्छे फॉर्म में है, बस हमारे बैटर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है, एक बड़ा स्कोर रखा है। अगर वानखेड़े स्टेडियम की बात करें, इतना बड़ा स्कोर रखना बहुत बड़ी बात है वहां पर। नहीं बिल्कुल, वानखेड़े में बहुत बड़ी बात भी है और दूसरा बॉलर्स का, जिस तरह से कंपटीशन हमारे बॉलर्स के बीच में चल रहा है कि 10 ओवर ये 10 ओवर वो, मतलब ये समझिए कि बैट्समैन सोचता है कि यार इसका ओवर मैं किस तरह से निकाल दूं, तो तब तक दूसरा पहाड़ खड़ा हो जाता है, फिर तीसरा पहाड़। और पिछली बार तो कमाल ही हो गया कि 9 बॉलर हमारे टीम में से निकल के बाहर आए, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक तरह से बना है कि 9 लोगों ने बॉलिंग करी है, तो समझाने की मतलब जरूरत नहीं थी, पर ये दिखाया कि हर आदमी हर चीज में
हर किसी की पूरी भागीदारी है और हमारे सारे जो प्लेयर्स है सारे ऑलराउंडर है, तो किसी पे भी एक भी सवाल उठना कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। लेकिन हमें इंतजार है हमारे बॉलर्स का कि कैसे वो जिस तरह से हमारा पूरा ये टूर्नामेंट रहा है, हमने विकेट यूं ऐसे चटकाए हैं फटाफट। देखिए हमने देखा श्रीलंका के खिलाफ जो हमारा मैच था, बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारा मैच था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बड़ी टीम है ये। बिल्कुल काजल, जैसे आपने देखा कि पहले कभी है ना बॉलिंग बैटिंग में जैसे पार्टनरशिप होती थी, बैटिंग वालों पे ज़्यादा निर्भर करते थे कि बॉलिंग वालों के ऊपर प्रेशर कम रहता था कि उनको लगता था कि बैटिंग वाले जितने ज़्यादा रन बना लें उतना अच्छा, टीम जीतने का मतलब उनकी ज़्यादा होती थी कि जितना ज़्यादा रन होंगे टीम तभी जीतती थी। पर इस बारी का वर्ल्ड कप बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया इंडिया के पक्ष में, जहाँ बॉलर्स ने दिखाया कि हमारी अहमियत क्यों है, किस तरह से उन लोगों ने आपस में कंपटीशन करके, ये कंपटीशन बहुत हेल्दी कंपटीशन जिसको बोल सकते हैं ये देखने को मिला। एक से एक मतलब एक मैच में हर बॉलर 3 विकेट 4 विकेट 5 विकेट निकाल रहा है, कभी स्पिनर निकाल रहे हैं, कभी फास्ट बॉलर निकाल रहे हैं। मतलब सोचिए कि विराट कोहली और आपके रोहित शर्मा ने भी विकेट निकाले हैं, तो मतलब देखने में मजा ही आ गया पूरे क्रिकेट में। और वो फॉर्म आज भी बना रहे, वैसी ही बॉलिंग वैसी फील्डिंग हम देखना चाहते हैं। और आप कहीं मत जाएगा क्योंकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा। फिलहाल के लिए इंतजार है जल्दी से जो न्यूजीलैंड की भी टीम है वो आए मैदान में और बैटिंग शुरू करे और हमारे फील्डर्स कैसे विकेट चटकाते हैं उसका इंतजार। जी, तब तक देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और फाइनल तक आप फिंगर क्रॉस रखिएगा अपनी।